हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 हमें दे रखा है। इन फिगर एल एम एन इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो, विद एल एम इक्वल है एल एन के। ये जो लाइन एल एम इक्वल है एल एन के, एन एल पी बाइसेक्ट एंगल एन एल क्यू। जो एल पी लाइन है वो एन एल क्यू को बाइसेक्ट कर दी। इसका मतलब ये होता है जितना मेरा ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये एंगल होगा, दोनों सेम होंगे। प्रूफ दैट एल पी पैरेलल एम एन। ये जो लाइन है पैरेलल होगी इस वाली लाइन की, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में मैंने लिखा इन ट्रायंगल एम एल एम एन, ठीक। और हमें गिवन है एल एम इक्वल है एल एन के, इसे मैं नंबर वन मान लेता हूँ। और में क्या गिवन है कि जो एल पी है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन एल क्यू। एन एल क्यू देखो बाइसेक्टर का मतलब तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये मेरा एंगल है क्यू एल पी इक्वल होगा एंगल पी एल एन। पी एल एन और दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, एंगल एन एल क्यू, क्योंकि इसी एंगल को दो हिस्सों में बांटकर बराबर बराबर किया गया है। तो दोनों के एंगल जो होंगे, ये दोनों ये इस पूरे के हाफ के इक्वल होंगे, इसे मैं नंबर टू मान लेता हूँ। क्लियर है। और हमें टू प्रूफ करना है कि हमारी एल पी लाइन पैरेलल है एम एन की। तो इसे पैरेलल करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ट्रायंगल को एल एम एन। देखो मेरी दोनों साइड इक्वल हैं। अगर किसी ट्रायंगल में प्रूफ तो इन ट्रायंगल एल एम एन अगर दो साइड इक्वल हों तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल एम इक्वल होगा एंगल एन के, रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट मेरा एंगल एम और एंगल एन दोनों मेरे एक्स हैं, ये भी एक्स हैं और ये भी एक्स हैं, ठीक। इसके बाद इसे नंबर देता हूँ मैं तीन। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एल क्यू एन एम। देखो ये एक्स है, ये एक्स है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बाहर वाला जो एंगल होता है इसके अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल एम एल एन एंगल एल एम एंगल एल एम एन प्लस एंगल एल एन एम। एल एन एम दोनों का सम इक्वल होगा एंगल एन एल क्यू के। एन एल क्यू के रीज़न होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी हमें एक्स दे रखा है, ये भी हमें एक्स दे रखा है। तो एंगल एन एल क्यू दोनों को सम किया कितना है, टू एक्स एंगल एन एल क्यू, ठीक है। अब मैं देखो जो मैंने इक्वेशन टू में लिखा था एंगल क्यू एल पी इक्वल होगा एंगल पी एल एन के, दोनों क्या थे एन एल क्यू के हाफ के इक्वल थे। तो एन एल क्यू कितना है मेरा, टू एक्स। इस टू एक्स का हाफ किया तो कितना निकल गया एक्स। तो यानी कि इसे तो मैंने माना था कि साइड इक्वल है तो एंगल दोनों इक्वल होंगे। और जब मैंने इन दोनों एंगल को फाइंड किया तो ये भी मेरे कितने आए, दोनों के दोनों एक्स एक्स निकल के आ गए, ठीक है। अभी मेरे ये जो दोनों एंगल हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ मेरी लाइन एल पी और एम एन। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। कैसे, दो लाइनों को अगर ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होती हैं, लाइनें पैरेलल होती हैं तो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल पी एल एन, पी एल एन इक्वल है एंगल एम एन एल के, एम एन एल के, क्यों दोनों एक्स आ रहे हैं। इट्स मेक ऑल्टरनेट एंगल, देयर फोर मेरी लाइन एल पी पैरेलल होगी एम एन की। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में दे रखा है एल एम एन आर पैरेलल लाइन। तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ट्रांसवर्सल लाइन टी है मेरी,
ए बी सी रिस्पेक्टिवली जो कि ए बी सी पर इंटरसेक्ट करती है। फाइंड एंगल 1, 2 एंड एंगल 3, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। गिव रीज़न, और रीज़न भी देना है क्यों बराबर होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं इसे मान लेता हूँ एंगल नंबर 4। दो पैरेलल लाइन हो जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये जो एंगल बनते हैं इन एंगल को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बट ये तभी बनते हैं जब लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, सेम साइड में हों ये दोनों। और ये इसकी पहचान होती है कि मैं एफ नज़र आता है, जब भी एफ हो चाहे सीधा हो उल्टा फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मेरा एंगल 4 इक्वल होगा 40 डिग्री के, रीज़न हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसे मैं मान लेता हूँ 1, एंगल 4 आ गया। 4 के आने के बाद अब निकालेंगे एंगल 1 कैसे। एक लाइन के दो टुकड़े हो रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। एंगल 4+1 इक्वल होगा 180 डिग्री के, रीज़न हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर एंगल 4, ये तो मैंने फाइंड किया है 40 डिग्री है। एंगल 1 पता लगा लेंगे, प्लस का 40 दूसरी तरफ जाएगा इसको आ जाएगा, माइनस का माइनस किया तो एंगल 1 आ गया मेरा 140 डिग्री। अब सिमिलरली दो लाइनें पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करें, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं। देखो एफ बन रहा नहीं बन रहा, तो एंगल 1 बराबर होगा मेरे एंगल 2 के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस वजह से इक्वल होंगे। अब एंगल 1 मैंने कितना फाइंड किया 140, तो एंगल 2 भी मेरा कितना होगा 140। इसके बाद में देखो अगर कोई एंगल एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे कि 2 का अपोजिट कौन है 3, तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 2 कितना है मेरा 140, तो एंगल 3 भी कितना आ जाएगा 140। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 134 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।